हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर मोर ऑन ईमेल का सेकंड पार्ट, यूजिंग एन ईमेल अकाउंट। टू यूज़ योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू लॉग इन और साइन इन। स्टेप वन, ओपन द वेब ब्राउजर, फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स, एंड टाइप द वेबसाइट नेम इन द एड्रेस बार इन विच यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट। हेयर इट इज़ www.gmail.com। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि ईमेल अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हमको ये देखना है कि अगर हमको ईमेल अकाउंट को यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, कि या तो मोज़िला फायरफॉक्स हो या फिर क्रोम हो, वहाँ जाना है आपको। और उसके बाद आपको अपना अकाउंट खोलना है। तो वहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो आपने कहाँ क्रिएट किया है, कौन सी वेबसाइट पे क्रिएट किया है। अगर आपने जीमेल पे क्रिएट किया है तो आप ओपन करेंगे gmail.com। अगर आपने हॉटमेल पे क्रिएट किया है तो आप ओपन करेंगे hotmail.com। अगर आपने रेडिफ पे क्रिएट किया है तो आप ओपन करेंगे rediffmail.com। तो जब आप एड्रेस बार में उस वेबसाइट का नाम डालेंगे तो उस वेबसाइट का होम पेज जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। स्टेप टू, एंटर योर यूज़र नेम और लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन देयर अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। अब जो आपके सामने पेज आएगा उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर यूज़र नेम डाल सकते हो, आपका पासवर्ड डाल सकते हो। तो अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में आपको ये डिटेल्स डालनी है। जिस भी नाम से आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो होता है आपका यूज़र नेम या लॉगिन नेम। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जहाँ आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिया रहेगा। स्टेप थ्री, क्लिक साइन इन बटन, योर अकाउंट विंडो अपीयर्स, यू ऑलरेडी नो हाउ टू कंपोज एंड रीड एन ईमेल, लेट्स लर्न मोर। फिर यहाँ पर जो साइन इन बटन रहेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट की विंडो आ जाएगी जिस पर आप अपना ईमेल कंपोज कर सकते हो या आपको जो ईमेल्स रिसीव हुए हैं उनको आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप साइन इन पर क्लिक करोगे उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्टे साइन इन, यहाँ पर एक चेकबॉक्स होता है। तो अगर आप अपना पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर स्टे साइन इन वाला जो बॉक्स है इसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो आपको बार बार ये लॉगिन आईडी, लॉगिन नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है हमेशा साइन इन रहोगे। आप जैसे ही उसकी जीमेल की विंडो पर जाओगे आपका अकाउंट जो है वो आपको सामने मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, स्कूल में यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको इस बॉक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो अगर साइन इन रहेगा तो कोई भी पर्सन आपके अकाउंट में जाके आपके बिहाफ पे किसी को ईमेल भेज सकता है और आपके ईमेल्स को पढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम साइन इन करते हैं तो ये बॉक्स जो है वो चेक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इस पर टिक मार्क नहीं होना चाहिए। कंपोज, लेट अस लर्न हाउ टू कंपोज अ मैसेज एंड सेंड इट। तो कंपोज का मतलब होता है ईमेल क्रिएट करना, दैट इज़ अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो उसको हम बोलते हैं मैसेज कंपोज करना। हम मैसेज को कंपोज करते हैं, हमको जो भी मैटर उसमें डालना है वो हम उसमें टाइप करते हैं और फिर हम उसको भेजते हैं। तो कोई भी ईमेल जो है वो कंपोज कैसे किया जाता है, तो उसमें स्टेप वन होता है क्लिक ऑन कंपोज बटन, द कंपोज विंडो अपीयर्स। यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट में एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज का, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें कि आप अपना मैसेज कंपोज कर सकते हो। स्टेप टू, एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी इन टू फील्ड। इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम मैसेज टू सम अदर पीपल, एंटर देयर ईमेल एड्रेस इन सीसी कार्बन कॉपी फील्ड। If you want to send the same message to other people without letting them know of the fact that others also have received the same message, type their address in BCC, that is blind carbon copy field. अब यहाँ पर आपको एक टू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको डालना होता है रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज आपको किसको ये ईमेल भेजना है। और इसके पास में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं CC और BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आप कार्बन कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप ये मैसेज एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हो। दैट इज़ अगर आपको सेम मैसेज कई सारे लोगों को भेजना हो तो उस केस में हम CC और BCC का यूज़ करते हैं।
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दैट इज अगर आप ये चाहते हो कि जिनको आप मैसेज भेज रहे हो उनको पता रहे कि ये मैसेज किस किस के पास गया है, तो उस केस में आप एड्रेसेस डालते हो सीसी में, दैट इज कार्बन कॉपी में. और अगर आप ये चाहते हो कि आप जिनको मैसेज भेज रहे हो उनको ये ना पता रहे कि ये मैसेज और किन किन लोगों के पास गया है, तो उस केस में हम सिलेक्ट करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दैट इज बीसीसी. स्टेप 3, एंटर सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इन सब्जेक्ट फील्ड. उसके बाद 2 के ऑप्शन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है सब्जेक्ट. यहाँ पर जैसे हम जनरली लेटर्स लिखते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट डालते हैं, उसी तरह से जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें भी हम सब्जेक्ट डालते हैं. तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है कि व्हाट इज दिस ईमेल अबाउट. स्टेप 4, टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड. उसके बाद जो ये नीचे आपको बॉक्स दिया रहता है इसमें आपको अपना पूरा मैसेज टाइप करना है जो भी आप भेजना चाहते हो. स्टेप 5, क्लिक सेंड बटन. उसके बाद यहाँ पर एक सेंड का बटन होता है. जब आपका मैसेज कंपोज हो जाए, आपने उसको चेक कर लिया कि वो मैसेज पूरा सही है, एड्रेसेस जो आपको डालने थे वो सारे आप सही डाल चुके हो, तो उसके बाद इस सेंड के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो जो हमने ईमेल क्रिएट किया है वो विद इन सेकेंड्स रिसीवर्स तक पहुंच जाता है. अटैचिंग अ फाइल. यू कैन सेंड फाइल सच एज पिक्चर्स, वॉइस मैसेजेस, वीडियोज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एन अटैचमेंट विथ योर ईमेल. इट इज़ वेरी यूजफुल सर्विस प्रोवाइडेड इन ईमेल प्रोग्राम्स. टू अटैच अ फाइल इन www.gmail.com फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब अगर आपको अपने ईमेल के साथ में कुछ फाइल्स ऐड करनी है, जैसे कि आपको पिक्चर्स भेजना है, वॉइस मैसेज भेजना है, वीडियो भेजना है, साउंड क्लिप भेजना है, या फिर कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो उसको एज एन अटैचमेंट आप अपने ईमेल के साथ भेज सकते हो. अब अगर आपको अटैच करना है कोई फाइल तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमको फॉलो करनी होती है. स्टेप 1, क्लिक अटैच फाइल्स आइकन इन द कंपोज विंडो, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो जब आप अपना मैसेज कंपोज करते हो तो यहाँ पर सेंड के बटन के पास में आपको एक अटैचमेंट फाइल्स का आइकन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने अटैचमेंट्स को भेज सकते हो. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाता है. स्टेप 2, सिलेक्ट द फाइल टू अटैच. अब ये जो नया डायलॉग बॉक्स आता है इसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको कहाँ से फाइल लेनी है, दैट इज़ आपको वो सिलेक्ट करनी है फाइल अपने कंप्यूटर पे जो आपको अटैच करनी है इस ईमेल के साथ में. तो यहाँ से आप यहाँ तो एड्रेस डाल के देख सकते हो, या आपको पता है तो आप फोल्डर्स में जाके खुद सर्च कर सकते हो. स्टेप 3, क्लिक द ओपन बटन व्हेन वेट व्हाइल योर फाइल इज बीइंग अटैच. फिर यहाँ पर आपको जो भी फाइल सेंड करनी है उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर जो ओपन बटन रहेगा इस बटन पे आपको क्लिक करना है. तो जैसे ही आप इस ओपन बटन को क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है आपके ईमेल के साथ अटैच हो जाएगी. यू सी द नेम ऑफ योर अटैच्ड फाइल एंड इट्स साइज इन द कंपोज विंडो. फिर ये कंपोज विंडो जो होती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी फाइल का नाम क्या है और इसका साइज क्या है. अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपने गलत अटैचमेंट डाल दिया है, तो आप इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके इस मैसेज को हटा सकते हो, इस अटैचमेंट को हटा सकते हो. अगर आपको और अटैचमेंट सेट करना है तो अगेन इस अटैचमेंट बटन पे क्लिक करके सेम प्रोसेस फॉलो करके इस डायलॉग बॉक्स में से आपको जो अटैचमेंट ऐड करना है वो उस पर क्लिक करके ओपन बटन को क्लिक करके आप और दूसरे अटैचमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो. स्टेप 4, क्लिक द सेंड बटन, योर मैसेज विद द अटैच फाइल इज सेंड. अब जब आपको ऐसा लगे कि आपने सही अटैचमेंट्स डाल दिए हैं, आपको जितने अटैचमेंट्स डालने थे वो सारे अटैचमेंट्स आप डाल चुके हो, तो फिर आपको सेंड बटन को क्लिक करना है तो आपका ईमेल जो है वो अटैच फाइल के साथ में आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगा. इनबॉक्स. दिस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिसीव्ड ईमेल्स. द नंबर अलॉन्ग विद द इनबॉक्स लिंक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अनरेड और न्यू ईमेल्स. अब इनबॉक्स जो है वहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट होती है कि आपको कौन कौन से ईमेल्स आए हैं. उसमें आपको वो ये भी बताता है कि आपको नए मेल्स कौन से कितने रिसीव हुए हैं और आपके अनरेड मेल्स जो हैं वो कितने हैं, दैट इज़ आपने कितने ईमेल्स जो हैं जो नहीं पढ़े हैं. टू रीड एन ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक द इनबॉक्स ऑप्शन.
अब अगर आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से मेल्स रिसीव हुए हैं और आपको उन मेल्स को पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको इनबॉक्स पे क्लिक करना होगा। कंपोज बटन के नीचे आपको इनबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और वो ब्रैकेट में बताएगा कि कितने ईमेल्स जो हैं वो आपने नहीं पढ़े हैं। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका इनबॉक्स आ जाएगा, जिसमें ये पूरी लिस्ट रहेगी कि कौन कौन से ईमेल्स आपको रिसीव हुए हैं। स्टेप टू, क्लिक एनी ईमेल टू ओपन एंड रीड द मैसेज। अब आपको जो भी ईमेल यहाँ से पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ईमेल जो है वो आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। ओपनिंग एन अटैचमेंट, द ईमेल विद द अटैचमेंट आर डिस्प्लेड विद द पेपर क्लिप आइकन। अब आपको ये देखना है कि आपके ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट आया है तो आपको कैसे पता चलेगा या उस अटैचमेंट को आप कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस ईमेल के साथ में अटैचमेंट है, तो जब आपका ईमेल का एड्रेस आपको दिखाता है, जब पूरी लिस्ट आती है, तो उसके पास में एक पेपर क्लिप का ऑप्शन आता है। इस पेपर क्लिप के ऑप्शन से हमको ये पता चलता है कि इस ईमेल के साथ में कोई ना कोई अटैचमेंट आया है। अब अगर अटैचमेंट्स को खोलना है तो हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप वन, ओपन योर अकाउंट एंड क्लिक इनबॉक्स ऑप्शन। क्लिक ऑन द ईमेल विथ एन अटैचमेंट, द ईमेल ओपन्स विद द मैसेज एंड द लिस्ट ऑफ अटैच्ड फाइल्स। तो जैसे मैसेज रीड करने के लिए हम इनबॉक्स पे जाते हैं, कंपोज बॉक्स के नीचे हमको इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। उस इनबॉक्स के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी ईमेल्स की लिस्ट आ जाती है जो हमको रिसीव हुए हैं, और वहीं से हमको पता चलता है कि इसमें कोई अटैचमेंट भी है अगर वहां पर एक पेपर क्लिप का साइन है। तो वहां से आपको ईमेल पे क्लिक करना है जिसमें अटैचमेंट आया हुआ है, और उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ईमेल खुल जाएगा। तो इस तरह से आपका ईमेल खुलेगा जिसमें यहाँ पर आपका ईमेल का मैसेज रहेगा और नीचे एक बॉक्स आएगा जिसमें कि आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पर अटैच्ड फाइल्स हैं। स्टेप टू, क्लिक डाउनलोड आइकन टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड फाइल टू योर हार्ड डिस्क, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जो आपकी अटैच्ड फाइल्स है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो अटैच्ड फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे आपकी हार्ड ड्राइव पर, और साथ में ही वहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्टेप थ्री, चूज द सेव फाइल ऑप्शन, क्लिक ओके बटन, नोट द चेंज इन कलर ऑफ द आइकन ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द वेब ब्राउजर विंडो व्हेन द डाउनलोडिंग इज कंप्लीटेड। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सेव फाइल, दैट इज आप ये सिलेक्ट कर रहे हो कि ये फाइल जो है आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड बटन जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये कलर चेंज होने से आपको ये पता चलेगा कि डाउनलोडिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टेप फोर, डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, अ विंडो अपीयर, सिलेक्ट डाउनलोड्स ऑप्शन। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर आइकन होता है डेस्कटॉप पे, दैट इज आपको अपने वेब ब्राउजर से बाहर जाना है, आपकी कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होती है, जो डेस्कटॉप होता है, वहां पर एक कंप्यूटर का आइकन होता है जिसके नीचे लिखा होता है जनरली माय कंप्यूटर। उस आइकन पे आपको क्लिक करना है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स। स्टेप फाइव, डबल क्लिक द जिप फाइल फ्रॉम द न्यू स्क्रीन, और जैसे ही उस डाउनलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नए ऑप्शन आ जाएंगे जिसपे आपको जिप फाइल मिलेगी, दैट इज जो फाइल आपने अभी डाउनलोड की है वो आपको जिप फॉर्म में मिलेगी। स्टेप सिक्स, यू सी द फाइल्स यू हैव रिसीव्ड एज एन अटैचमेंट, डबल क्लिक टू ओपन द रिक्वायर्ड फाइल। उसके बाद आपको उस फाइल को डबल क्लिक करना है जो अभी आपने डाउनलोड की है, और फिर वो फाइल जो है आपके सामने खुल जाएगी। आप पिक्चर है तो पिक्चर देख सकते हो, अगर वो वीडियो क्लिप है तो आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। तो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट आपके अटैचमेंट में आया है वो आपके सामने खुल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। सो दिस वॉज द पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर मोर ऑन ईमेल। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, and you can find the links to other chapters in the description box below. Thank you everyone.